गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। कल पढ़ा था हमने संचैन, और संचैन की जो कहानी थी वो पढ़ी थी, जिसका नाम था गिल्लू, है ना। उसके प्रश्न उत्तर भी हमने पढ़े हैं, और आज पढ़ेंगे हम स्पर्श, स्पर्श भाग ए। और स्पर्श भाग ए में पढ़ेंगे दोहे, दोहे मतलब रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रैदास का दोहा नेहा मैम ने आपको पढ़ाया था, और गद्य में भी हमने पाठ पढ़ लिया है एक दुख आदि का, लेकिन आज पढ़ेंगे हम दोहे। दोहे लिखे हैं रहीम दास जी ने। रहीम को आप जानते हैं अच्छी तरह, रहीम के बारे में पढ़ा है सुना है। रहीम दास जी जो है बड़े अच्छे कवि थे, और ये अकबर के काल में थे, अकबर के सेनापति भी थे, और अकबर के क्या नाम से कवि राजदरबार में कवि का काम भी करते थे। तो पहले इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं, परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय पढ़ने के पश्चात हम इनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो परिचय जानना जरूरी है। रहीम का जन्म जो है लाहौर, लाहौर जानते हो आजकल, पहले तो हिंदुस्तान एक ही था, अब पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान में है। सन 1556 ईस्वी में हुआ, 1556 ईस्वी। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था इनका पूरा? अब्दुल रहीम खान खाना, यानी रहीम। रहीम अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे, अच्छे कवि थे। इनकी नीति प्रवृत्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप लक्षित होती है। अर्थात जो संस्कृत की जो कवि है, जिन्होंने क्या नाम से नीति नैतिकता पर जो बहुत सारी बातें लिखी है, नैतिकता पर जो बातें कही है, उनकी छाप दिखती है। वैसी नीति पर दोहे इन्होंने लिखे हैं। हालांकि श्रृंगार पर भी लिखा है इन्होंने, और भक्ति पर भी लिखा है, लेकिन भक्ति और श्रृंगार पर कम मिलकर के नैतिकता नीति पर ज्यादा ही दोहे इनके देखने को मिलते हैं। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। दरबारी कवि का मतलब होता है जो किसी राज दरबार में रह करके और वहां अपने राजा को, अपने क्या नाम से जो विधा हुआ, जो सम्राट हुआ करता था, उसको क्या नाम से कविताएं सुनाना, काव्य पाठ करना, उनका मनोरंजन करना, और वहीं से तनख्वाह उसको मिलती थी। तो वैसे भी तो ये तो क्या नाम से सेनापति भी थे अकबर के रियासत में, तो दरबारी कवि के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। अर्थात वहाँ दरबार में तो अनेक सारे कवि थे अकबर के, लेकिन इनका प्रमुख स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो नवरत्न थे उसके नौ जो व्यक्ति थे जो अच्छे थे, अपने अपने क्षेत्र में प्रकांड थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, उनमें रहीम का नाम आता है। अर्थात रहीम यानी कि कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी थे। अर्थात इनके जो रियासत के पूरा सेनापति भी कहलाए हैं, और कवि तो थे ये, इसलिए ये क्या नाम से नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति। अर्थात नीति पर कुछ लिखा है इन्होंने, श्रृंगार रस पर भी लिखा है, और भक्ति पर भी लिखा, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। और श्रृंगार तो आप जानते ही हैं, श्रृंगार रस जो होता है, और नीति नैतिकता पर भी आपने लिखा है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि रहे हैं अपने जमाने के, अपने समय के, ये बहुत लोकप्रिय, बहुत ही क्या नाम से माने हुए कवि रहे हैं। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। अर्थात हम पढ़े लिखे हम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो आम जो बोलचाल की जो भाषा है उसमें भी इनके दोहों को प्रयुक्त किया जाता है, तो सभी लोग इनके दोहों को जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो इतने सीधे और सरल भाषा में इन्होंने लिखे हैं कि वो आसानी से हर व्यक्ति को याद हो जाते हैं। इनके नीति पर दोहे ज्यादा प्रचलित है। अर्थात जो मैंने कहा ना आपसे, श्रृंगार और भक्ति पर तो लिखा, लेकिन इतना नहीं लिखा, कम लिखा है इन्होंने। जो नीति नैतिकता, अच्छी बातें, हमको अच्छा रहना है, अच्छा काम करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, बड़ों का आदर करना है, इस तरह की जो बातें होती है जो जीवन में मनुष्य के लिए जो अच्छा करने की बातें होती है नीतिगत, वो ज्यादा लिखी है इन्होंने। जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बहुत कम में बना दिया है। अर्थात उदाहरण भी कहाँ से लेते हैं, उदाहरण भी आसपास से लेते हैं, संसार से लेते हैं, दुनिया से लेते हैं, और
जीवन से, दैनिक जीवन से लेते हैं, जो दैनिक जीवन की बातें हैं उन्हीं को क्या नाम से अपने दोहे में स्थान देते हैं। रहीम का अवधि भाषा में तो जानते ही थे, और ब्रज दोनों भाषाओं पर बराबर का अधिकार था, तथा अवधि में और ब्रज भाषा में दोनों में ही आपने लिखा। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात अच्छी भाषा, शुद्ध भाषा, शुद्ध ब्रज भाषा, शुद्ध अवधि भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने दोहे के अंदर किया है। जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं वो भी आप देख लें, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। रहीम सत्सई एक तो, सनगा सत्सई, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक, भेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है, और सन 1626 के अंदर इनका देहांत हो गया है। सन 1556 में तो जन्म हुआ इनका, और 26 में इनका देहांत हो गया। तो ये इनका परिचय रहा है। कुल मिला के ये अकबर के जो सेनापति रहे हैं, नाम इनका बताई दिया कि अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था, और क्या नाम से भक्ति नीति और श्रृंगार पर लिखा है, तो क्या नाम से इन्होंने नीति पर ज्यादा लिखा है। तो इस प्रकार से आज दोहे शुरू करते हैं इनके। पहला दोहा है इनका, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम व्यवहार पर है, कि जो हमारा प्रेम है, हमारा जो व्यवहार है, वो वास्तव में कच्चे धागे के समान है, या धागे के समान है। रही मन धागा प्रेम का, अर्थात आपस में जो हम प्रेम करते हैं, आपस में रहते हैं, तो हमको दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों ही जो सामने वाला है वो भी हमसे प्यार करे, उदारता दिखाए, और हमको भी उसको उदारता दिखाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे प्रेम में, हमारे व्यवहार में कभी कटुता नहीं आना चाहिए, कभी तोड़ना नहीं चाहिए उसको, है ना। टूटे से फिर ना जुड़े, एक बार अगर प्रेम का धागा टूट गया, एक बार क्या नाम से प्रेम हमारा खत्म हो गया, तो फिर क्या नाम से हम उसको लाख कोशिश करेंगे तो भी वो ऐसा वैसी बात नहीं रह सकती, वैसा व्यवहार, वैसा प्रेम हमारा नहीं बन सकता है। तो इसको दोबारा सुने कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ ही पड़ जाए। चटका कर, चटका मतलब चटका कर तोड़ना है ना, और परिया मतलब पड़ जाना, ये इसका अर्थ होता है। और फिर देख ले भाव इसको, कि रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं रहीम जी, कि प्रेम वास्तव में धागे के समान है, नाजुक और पतला होता है। जो हमारा प्रेम है, हमारा व्यवहार है, जो आपस में है, हम बातचीत करते हैं, हम रहते हैं, तो वो बहुत ही कच्चा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही उदार और बहुत ही आराम से नाजुक होता है, जिसे कभी किसी भी स्थिति में जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात उस प्यार को, उस प्रेम को, उस व्यवहार को कभी भी किसी भी स्थिति में हमको बिगाड़ना नहीं चाहिए। यदि धागा रूपी प्रेम एक बार टूट जाता है, अगर प्रेम का धागा टूट गया, प्रेम खत्म हो गया, आपस में कोई बात हो गई छोटी मोटी, कुछ बात लेकर के और कुछ गलतफहमी हो गई, तो पहले जैसा एकीकारिता का स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकता। जैसा प्रेम, जैसा व्यवहार हमारा जो पहले बना हुआ था, वैसा प्रेम, वैसा एकीकारिता, वैसी भावना बाद में नहीं रह पाती है। अर्थात पहले जैसा नहीं जुड़ सकता, वैसा का वैसा प्रेम हमारा नहीं रह सकता। दोबारा जोड़ने पर अनिवार्य उसमें गांठ, गांठ होती है, गांठ लगाते हैं, ग्रंथि पड़ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार समन टूट जाने पर, उसमें समन टूट जाने पर पहले जैसी आत्मीयता भावना, विश्वास नहीं आ सकता। प्रेम का संबंध किसी प्रकार दोबारा जोड़ने पर दोबारा व्यक्तियों के मन में ग्रंथि लग जाती है, गांठ पड़ जाती है, है? इसलिए सच्चे प्रेमी को ध्यान पूर्वक अपने संबंध को निभाना चाहिए और टूटने से बचाना चाहिए। अर्थात कभी भी हमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, कभी झगड़ना नहीं चाहिए, छोटी मोटी बातें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, है? तो हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, हमारा जो भावना है वह हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी टूटेगी नहीं। आई बात समझ में, दोहा समझ में आ गया,
तो इस प्रकार से रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो जटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रेम का जो धागा है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। हमारा प्रेम भी कच्चे धागे के समान है, मत तोड़ो चटकाए, जानबूझ के कभी हमको उसको खत्म नहीं करना चाहिए है? और एक बार टूट गया, एक बार धागा टूट गया, टूटे से फिर न जुड़े, तो वापस वैसा ही धागा नहीं बन पाता है, वो उसके अंदर ग्रंथि गांठ पड़ जाती है। ये तो ये क्या नाम से हम ये भावार्थ इसका दोहे का तो याद हो गया होगा, इसको दोहे को याद भी कर लिया करो, दोहे को दो तीन बार पढ़ोगे तो दोहा अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको, है ना। रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। सीधा है दोहा, जैसे बात बात में हम कोई करते हैं वैसे बातों में वो याद हो जाता है। तो कभी भी हमको हमारे प्रेम व्यवहार को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत ही कच्चे धागे के समान कच्चा और बहुत ही उदार होता है। एक बार टूट गया तो फिर वापस प्रेम और वापस व्यवहार हमारा नहीं बन पाएगा। और बनेगा तो जैसे धागा टूट जोड़ते हैं, जोड़ने पर उसमें गांठ लग जाती है, उसी प्रकार से हमारे संबंधों में, हमारे व्यवहार में, हमारे प्रेम में, हमारे आपस में जो भाईचारे में, वही गांठ पड़ जाएगी। हम उसी प्रकार से आंख मिला के नहीं बात कर सकते, उसी प्रकार से नहीं देख सकते, है? वैसा प्रेम हमारे बीच में नहीं रहेगा। यह है बात, बात समझ गए अच्छी तरह, है ना। इसके प्रश्न आपको बाद में बताएंगे, है ना। इसके प्रश्न आपको हम बताएंगे, अभी तो केवल ये इसका जो सारांश है, इसका जो भावार्थ है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। दूसरा दोहा है, रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोरे। रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटने ले हैं कोई। ऐसा संसार है हमारा, ऐसी दुनिया है कि आपके साथ कोई, आपके को पीड़ा है, कोई कष्ट है आपका, तो उसको किसी को बताओ मत, है? उसको मन के अंदर रख रख कर ही इसको बर्दाश्त करो, उसको सहन करो, है? अगर आपने किसी को बता दी वो बात, तो उस बात को सुन करके और लोग इतराएंगे, है, मन में प्रसन्न होंगे, और बांटने ले हैं कोई, है ना, उसको आपस में शेयर नहीं करेंगे, उसको बांटेंगे नहीं, है कि भाई थोड़ा सा दुख मुर्ग दे दे, थोड़ा सा आपको कष्ट आ गया, थोड़ा सा मैं सहन कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि रहिमन निज मन की व्यथा। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने मन के अंदर की जो व्यथा है, मन के अंदर की जो पीड़ा है, उसको हमेशा मन ही राखो गोए, मन के अंदर ही छुपा के रखना चाहिए, गुप्त छुपा कर रखना चाहिए, गोए मतलब गुप्त छुपा कर रखना चाहिए, है ना। और सुनी अठले हैं लोग सब, अठले हैं मतलब मजाक उड़ाएंगे, अठिले हैं मजाक उड़ाना, जब आपकी पीड़ा के बारे में, आपके कष्ट के बारे में लोग सुनेंगे तो उस बात को सुन करके आपका मजाक उड़ाएंगे, है, और बांटने ले हैं कोई, उस पीड़ा को कोई बांटेगा नहीं, पीड़ा कोई बांटता नहीं, पीड़ा तो जिसको आती है उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, इसलिए अपनी पीड़ा को किसी को मत बताओ। आई बात में, इसका अर्थ देख लो, रहिमन निज, निज मतलब अपनी, व्यथा मतलब होता है दुख कष्ट, है, गोय होता है छिपा के रखना, अठले मतलब होता है मजाक बनाना, है? और कोई मतलब होता है कोई भी इस पीड़ा को बांटेगा नहीं। तो कवि क्या कहते हैं, दोबारा सुनो इसको ना। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा या हृदय की वेदना को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरे ये हो गया, मेरी चोरी हो गई, मेरे नुकसान हो गया, मैं बीमार हूँ, या मुझे घाटा लग गया, नुकसान लग गया, तो उसको अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, सीमित रखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, है, दूसरों के सामने प्रकट किए तो क्या करेंगे, अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट करने से, दूसरों के सामने प्रकट व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी वेदना या कष्ट को आपस में नहीं बांटेगा, है, कि थोड़ा मुझे दे दे, थोड़ा बुखार आ रहा है, थोड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ी पीड़ा मुझे दे दे, वो आपकी पीड़ा आपको ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, है, आपका जो जो भी चीज है वो आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। बल्कि मन ही मन खुश होते हैं और इठला कर मजाक उड़ाते हैं, इतराएंगे इठलाएंगे,
और मजाक उड़ाएंगे, अच्छा होगा, अच्छा उनकी चोरी हो गई, अच्छा उनके ऐसा हो गया, अच्छा वो बीमार हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो आपकी पीड़ा के बारे में सोच पाएंगे, दुख व्यक्त करेंगे। बाकी अधिकतर लोग ऐसे ही हैं कि वो आपकी पीड़ा को सुन करके और मन के अंदर इठलाएंगे, इतराएंगे और मजाक बनाएंगे उसका। इसलिए कभी भी अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। आई बात समझ? दोबारा सुन लो इसको कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटले हैं लोग सब बांटने ले हैं कोई। आई बात समझ? एक बार फिर सुन लो कि रही मन निज मन की व्यथा, आपके मन के अंदर कोई व्यथा है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो मन ही राखो गोय, उस पीड़ा को, उस कष्ट को आप अपने मन के अंदर ही रखिए, उसको किसी के सामने बताइए मत, किसी के सामने व्यक्त मत कीजिए। व्यक्त करेंगे तो उस बात को आपकी सुनेंगे और सुन करके क्या करेंगे, मन अटले हैं लोग सब, आपकी बात को सुन के इतराएंगे और उस बात का मजाक बनाएंगे, बांटने ले हैं कोई। अर्थात कोई भी व्यक्ति उस व्यथा को, उस पीड़ा को बांटेगा नहीं, शेयर नहीं करेगा, है कि भाई थोड़ी मुझे दे दे, थोड़ी आपकी कष्ट है थोड़ा मैं ले लेता हूँ, थोड़ा मुझे बांट दे, ऐसा न हुआ है न होता है। जिसकी पीड़ा है उसी को बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको सहन करनी पड़ती है, स्वयं ही उसको डोना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपनी पीड़ा को मत बताओ। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात अच्छी तरह? दोहा याद हो गया, रहे मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोई, सुनी अटले हैं लोग सब बांटने ले हैं कोई। अर्थात उस बात पीड़ा को सुन करके और लोग इतराएंगे, मजाक बनाएंगे और आपस में बांटेंगे नहीं। बात समझ आ गई? निज मतलब अपनी, व्यथा मतलब बहुत आप जानती है, पीड़ा दुख गोए गुप्त है, और अटले हैं मजाक बनाना उड़ा है इतना, और कोई मतलब कोई भी, इस तरह से इसके अर्थ है, और अर्थ मैंने बता ही दिया आपको है। तो नहीं समझ में आए तो फिर बताएंगे, प्रश्न उत्तर भी आपको इसको मैं बताऊंगा बाद में, पहले इसके अर्थ समझ लेते हैं, अर्थों के बारे में देख लेते हैं। तो दो दोहे हो गए अपने। तीसरा दोहा है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहिमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। बड़ी अच्छी बात है ये भी, दो क्या नाम से जो उदाहरण लिया है हमारे आसपास से दैनिक जीवन से इन्होंने लिया है कि सुन लें एक बार अच्छे से, कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहिमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। जो भी हम काम करें है? जो भी हम सोचें, तो एकाग्र एक चित्त होकर के और एक निष्ठ होकर अगर हम कार्य लक्ष्य को साधा जाए तो स्वतः ही सभी कार्य स्वयं हो जाते हैं। उस एक काम करने से हमारे जो सारे कार्य हैं वो अपने आप हो जाएंगे। एक ए साधे अर्थात एक कार्य पर ध्यान रखें, एक कार्य को करें तो हमारे जो अन्य कार्य हैं वो सब सज जाए, सब अच्छे हो जाएंगे, सब अपने आप होते चले जाएंगे। अर्थात एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सांसारिक उपलब्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती है। अर्थात आपको अलग अलग परमात्माओं को ढोकने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक परमात्मा को ही भजिए, एक परमात्मा को याद कीजिए, एक परमात्मा के ही ऊपर रहिए, तो सारे परमात्मा आपको मिल जाएंगे, सारे काम आपके हो जाएंगे। मानव को सर्वाधिक आधारभूत एक एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रभु प्राप्ति पर ही ध्यान केंद्रित कर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की अनुकंपा से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एक ही परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा आपकी मदद करेंगे, और आपके नाम से 10 देवताओं को ढोकेंगे, 10 परमात्माओं को याद करेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से जो फल होता है, वृक्ष होता है, एक वृक्ष का सिंचन उसकी जड़ की सिंचाई करने से ही उसमें फल फूल और वो प्रफुल्लित होता है, उसी भांति मूल परमात्मा का ध्यान कर वो सांसारिक सुख वैभव से आनंद हो जाता है, तृप्त एवं संतोष में जीवन यापन कर सकता है। तो ये बात है कि एके साधे सब सदे, जब कोई दुख में हो, कोई पीड़ा में हो, कोई कष्ट में हो, तो केवल एक ही परमात्मा को याद करें, एक ही परमात्मा को आप भजें,
सब सारे सब जाए और सब परमात्माओं को भजेंगे, अलग अलग परमात्माओं को भजेंगे, याद करेंगे, तो सब एक भी काम आपका होगा नहीं, सब काम व्यर्थ हो जाएंगे, बनेगा नहीं। रही मन मूल ही सींच वो, रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ जो होता है अगर उस पेड़ के मूल में पानी देंगे तो पूरा जो पेड़ है वो फलेगा फूलेगा और अघाए वो क्या नाम से तृप्त हो जाएगा है। फूले फले है अर्थात मूल में पानी देने से ही पेड़ा पेड़ फलेगा, उसमें फल आएंगे फूल आएंगे और प्रफुल्लित होगा है। और क्या नाम से हम उस पेड़ के डालियों में पानी डालते रहेंगे ऊपर ऊपर, तो उस पेड़ का उद्धार नहीं होगा, उस पेड़ का वो अघाएगा नहीं, वो प्रफुल्लित नहीं होगा, वो फूलेगा फलेगा नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि जो भी काम करें वो एक ही साथ, वो साथ करके एक ही बात को साथ करके करें, एक ही परमात्मा को याद करें, अलग अलग परमात्माओं को हम याद नहीं करें, तो हमारे सब कार्य हो जाएंगे, सब साधे सब जाए। तो हो गया याद आपको, एक ए साधे सब सदे, दोबारा सुनो इसको, सब साधे सब जाए, कि एक को साधने से, एक की अनुकंपा करने से, एक ही प्रार्थना करने से सब काम हो जाएंगे। और सब साधे सब जाए, और सब का देवताओं को ढोकने से, सबकी पूजा करने से, सबको प्रार्थना करने से, सबको याद करने से सारे काम चले जाएंगे। इसलिए रहे मन मूल ही सी जीवो, रहीमदास जी कहते हैं कि हमेशा मूल, मूल होता है जो पेड़ का मूल होता है नहीं, उसमें पानी देना चाहिए है? मूल ही सी जीवो और फूले फले अगाए। तो जब आप पत्तियों में शाखाओं में पानी देकर के मूल को सींचेंगे तो पूरा पेड़ तृप्त होगा, पूरा पेड़ आपके नाम से विकसित होगा, उसमें फल आएंगे फूल आएंगे और प्रफुल्लित होगा। आगे बात में समझ गए अच्छी तरह दोहे को, एक ए साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो, फूले फले अगाए। ठीक है आगे चले, चलो भाई आगे। चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश, चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहिमन कौन? रहीमदास कह रहे हैं कि चित्रकूट, चित्रकूट स्थान है आप सब जानते हैं, झांसी और यूपी के में आता है, यूपी और एमपी बॉर्डर पे है। तो भगवान को जब वनवास हुआ था तो चित्रकूट में रुके थे वो है। अवध नरेश, अवध मतलब अयोध्या के राजा, अवध मतलब अयोध्या साकेत नगरी जो है जिसको बोलते हैं अवध, नरेश मतलब राजा, कौन राजा वहां के? राजकुमार श्री राम है। जा पर विपदा पड़त है, जिस व्यक्ति पर विपदा पड़ती है सो आवध यह देश, वो उसको इस देश में आना पड़ता है, ऐसा दवा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि रमी रहे रम गए अवध नरेश अयोध्या के राजा, जा पर जिस पर और विपदा संकट जानते हैं हम, आवत मतलब आता है यह है। तो इसका अर्थ देखें, रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं रहीमदास जी, कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांत प्रदान करने वाला प्रदेश है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, बहुत अच्छा मनोरम स्थान है वहां पर। आप आजकल तो काफी अच्छा स्थान हो गया और भी बना दिया नाम सरकारों ने, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ही रमणीक जगह है, बहुत ही नदियां बह रही है, बहुत अच्छे मकान वो बने हुए हैं और बहुत ही घना जंगल है। तो उस बीच में बहुत ही मनोरम है, बहुत ही हरिद्वीमा है वहां पर, बहुत ही रमणीक स्थान है। जिस व्यक्ति पर विपदा आती है, अर्थात जो भी विपदा में जूझता है, जिस पर विपदा आती है, भगवान विपदा देते हैं आती है, वह इसी प्रदेश में शांति प्रदान करने के लिए चला आता है। अर्थात जो भी पीड़ा में है, कष्ट में है, बहुत सारे वृद्ध लोग वहां मिलेंगे आपको, कभी गए हो तो जाना, कभी देख के आना, बहुत सुंदर, बहुत ही रमणीक, बहुत ही मनोरम, बहुत ही क्या नाम पर्यटक दृष्टि भी बहुत अच्छा प्रदेश है। अर्थात जिसको भी पीड़ा कष्ट आता है वो वहीं जाकर के चला जाता है। अयोध्या के राजा राम, अवध नरेश, अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में, जो विपत्ति आई, भगवान को ने उनके पिताजी ने उनको क्या नाम से, माता जी ने 14 साल का जो वनवास दिया, तो वहीं से गए, वहीं से निकले, तो इसी प्रदेश में चले आए थे। उन्हें विषम परिस्थिति,
मैं राजपाट छोड़कर जब वन वन में जाना पड़ा तो चित्रकूट चले गए। अर्थात राजपाट छोड़कर जब उनको सीता और लक्ष्मण जी जब निकले वहां से, उनको क्या नाम 14 साल का जो वनवास हुआ, तो वो क्या नाम से चित्रकूट में होते ही गए थे। उनका मन वहीं रम गया, अर्थात वहीं लग गया उनका मन, वहीं क्या नाम से काफी दिन से ठहरे वहां पर। इस प्रकार चित्रकूट एक अत्यंत मनोरम एवं धार्मिक स्थान माना जाने लगा। उसके बाद से ही चित्रकूट एक प्रकार से पर्यटक का स्थल हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, वो माना जाने लगा। तो इस समय विपत्ति के समय, दुख के समय, यानी कहते हैं कि रहीमदास जी को भी लास्ट में वहां जाना पड़ा था। अरे रहीम, हाँ रहीम में को वहाँ वहाँ चने बेचने पड़े थे इनको लास्ट में जाकर के, वो और क्या नाम से वहां पर चने बेच करके अपना यापन करना पड़ा था। तो कष्ट जब आया, दुख जब आया, तो इनको भी वहां पर जाकर के रहना पड़ा था और चने लगा ले जाकर के वहां पर बेचना पड़ा था। तो उनको विपत्ति आई, और जिस भी व्यक्ति को विपत्ति आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो वहां जाकर के रहता है। बस में आ गए आपके क्या है, चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश। अर्थात चित्रकूट के अंदर रमी रहे, रम रहे, रह रहे हैं अवध नरेश। अवध मतलब अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजकुमार श्री राम है। जब उनको वनवास हुआ था तो वहां से निकले थे, गए थे चित्रकूट के अंदर, वहीं काफी समय तक रहे थे। तो जिस व्यक्ति पर विपदा आती है, विपदा पड़ती है, सो अवध यही देश, वह इसी देश में आता है, इसी प्रदेश में आता है। ये बात है, ठीक है, समझ गए। दोहा याद होना चाहिए, दोहा याद कर लिया करो, हाथों हाथ पढ़ते पढ़ते दोहा याद हो जाना चाहिए, आंख बंद करके। चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। आप तो समझ गए, और तो दोहा बता ही रहा है कि जहां पर विपदा पड़त है, जिस पर विपत्ति आती है, संकट आता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं, सो आवत यही देश, उसको इसी देश में इसी स्थान पर आना पड़ता है, रहना पड़ता है। समझे चित्र? आज इतने काफी है, 4 दोहे हो गए, 4 कल पढ़ेंगे, है ना? ठीक है बेटा, तो आज इतना ही काफी है, यहाँ तक है। रहीम चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहां पर विपदा पड़ता है सो आवत ही देश, ठीक है ना?